आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बड़वानी जिले में सुशासन के तहत प्रत्येक गांव तक शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहुंच अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग 6 मई को सेंधवा के ग्राम मेहत गांव से करेंगे। स्थानीय रहवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस अभियान के दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत पात्र जनों से आवेदन लेकर उन्हें योजना के प्रावधान अनुसार लाभान्वित कराए जाएंगे। साथ ही कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इस अभियान के बारे में बताया है। नोडल अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक शिविर का आयोजन ग्राम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, PHE विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग की योजनाओं का लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। शुक्रवार को पहुंच शिविर सेंधवा के ग्राम मेहत गांव में पान सेमल के आमदा में निवाली के ग्राम वझर में ठिकरी के ग्राम तलवाड़ा डेब समिलदा डेब महगांव डेब और फत्यापुर में साथ ही राजपुर के ग्राम सनगांव में विकास खंड पार्टी के ग्राम बोकराटा में विकास खंड बड़वानी के ग्राम मेड़ी माता में लगाया जाएगा। बड़वानी जिले में पूर्व से चिन्हित शासकीय जो सेवाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने ऐसी सेवाएं चिन्हित की हुई हैं और पहुंच अभियान का सीधा आशय यह है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की, शासकीय अमले की ऐसे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में हमारे शिविर लगेंगे और इन शिविरों में पूर्व से ही जो चिन्हित लोगों से हमारा शासकीय अमला नीचे संपर्क करेगा, उनकी क्या क्या कामों में समस्या उनको हल करेगा। इस अभियान का कल शुभारंभ हमारे माननीय हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी हरदीप डंग जी ये सेंधवा ब्लॉक विकास खंड के महत गांव से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। पूरे महीने का कैलेंडर जारी किया हुआ है, किस दिनांक को किस विकास खंड के किस गांव में कैंप लगेगा, इसका मैं आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि मेरी बात गांव में अधिक से अधिक पहुँचे और गांव के लोग अधिक से अधिक संख्या में कैंप में पहुँचें और अपनी समस्याओं का निराकरण कराएं। विशेष करके इसमें जो समस्याएं ली गई हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, इसके अलावा महिला बाल विकास, खाद्यान्न, ये समस्या प्रमुख ली गई हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे ज़िले में आयुष्मान कार्ड का जो लक्ष्य 11.5 लाख लोगों को बनना था परंतु अभी 5.62 लाख का ही बना हुआ है, तो आयुष्मान कार्ड बनाना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। इसमें आधार और समग्र IT वगैरह जो संशोधन करना है वो सब इसमें लिए जाएंगे। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जो इस तरह के आवेदन है वो भी लिए जाएंगे। साथ साथ में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, इसके अलावा सरकार के जो जलाभिषेक अभियान जो जिसमें अभी पूरे ज़िले में लगभग 1500 से अधिक संरचना ऐसी हैं जिसमें पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में उनका जीर्णोद्धार हो रहा है और 101 अमृत तालाब जो नए बन रहे हैं इनका भी हमारी जो टीम है जाकर सत्यापन करेगी, कोई समस्या होगी तो उनको हल भी करेगी। मैं चाहूँगा कि इसमें हमारा जो पहुँच अभियान है इसका पूरे ज़िले के लोग बड़े उत्साह से बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें और इनकी शुरुआत हम लोगों ने अधिकतर हमारा जो हाट बाज़ार के दिनों से कर रहे हैं। हाट बाज़ार के दिनों में वहाँ पर पूरा जो गांव के लोग आते हैं वो अपने गांव तक अपनी बात को पहुँचाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहुँच अभियान के माध्यम से हमारे ज़िले के हज़ारों हज़ार लोग इसका लाभ उठाएंगे और इसका जो उनको चाहे आर्थिक सहायता मिलती हो चाहे अन्य योजना का लाभ मिलता है वो पूरा ले पाएंगे। सर, मध्य प्रदेश के सिर्फ बड़वानी में ही यह